बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रेप्स के यानी अंगूर के फ़वाद लेकर आया हूँ कि इसके क्या फ़वाद हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, अंगूर और सभी लोग खाते हैं, इसे पूरी दुनिया का फेवरेट फ्रूट है ग्रेप्स, तो मुझे तो बहुत पसंद है ये। देखें तो मैंने सोचा इसका इसके बेनिफिट आपके साथ शेयर करूँ। अंगूर एक ऐसा फल है कि आपको रिफ्रेशमेंट देता है और आपको हेल्दी करता है, और इसमें जो है विटामिन सी की मिकदार ज़्यादा होती है, ये देख सकते हैं आप। इसका एक्सट्रैक्ट काफ़ी अच्छा होता है, और ये जो इसका एक्सट्रैक्ट है इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, जो हमारी स्किन के लिए, हमारे दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने बेनिफिट मुझे मालूम है वो सब मैं आपके साथ बताऊंगा। तो आप इसको वैसे भी खा सकते हैं सिंपल, और इसका जूस बनाकर आप पी सकते हैं, ये बहुत मज़ेदार होते हैं। तो जो छोटे वाले ग्रेप्स होते हैं ना, वो ज़्यादा उसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है, वो ज़्यादा फ्लेवर होता है इसका। बड़े अंगूर जो होते हैं उसके बीज ज़्यादा होते हैं, वो देर के जो बीज होते हैं ना सीड्स, वो देर से हजम होते हैं लेकिन फ़ायदेमंद होते हैं। अंगूर आप कोई भी खाएं, चाहे ब्लैक वाले हो, इस तरह के छोटे वाले, मुझे इस तरह छोटे वाले बहुत अच्छे लगते हैं, और बड़े वाले जो होते हैं उससे मुनक्का बनता है और इससे किशमिश बनती है, जो अपने खाने में और वैसे भी रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़, सॉरी, अपने मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं, मतलब कोई भी हम घरेलू मेडिसिन बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो ये बहुत अच्छा है और दिल के लिए बहुत मुफीद है, और ये ठंडा, एक ठंडा फल है जो गर्मियों में आपको एकदम से तस्कीन पूरी करता है, प्यास की शिद्दत को कम करता है, काफ़ी सारे बेनिफिट हैं इसके। तो आप इसे अपनी लाइफ में इसको ऐड करें, खाया करें। तो मैं तो खाने लगा हूँ, आप भी आ जाएं खा लें। तो व्यूअर्स, अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और ये अंगूर मैंने धो लिए हैं, जब भी आप यूज़ करें खाएँ, इसे धोकर इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़।